इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप गैंगस्टर न्यू ऑरलीन्स का गेम खेलते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके की एक नोटिफिकेशन आती है, या फिर गेम जब चालू करते हैं तो इस तरीके से बताता है, एरर नोटिफिकेशन, अ नेटवर्क एरर हैज़ अक्यूर्ड, वुड यू लाइक टू ट्राई अगेन, इस तरीके से बताता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स करें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो गेम तक नहीं पहुंच पा रहा, या फिर जो नेट कनेक्शन है उसका और आपकी जो गेम है नेट कनेक्शन गेम का कोई भी जो है मतलब एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पा रहा। इस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने नेट कनेक्शन को ऑफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पर अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर लगा दीजिए। ठीक है, एरोप्लेन मोड पर लगा दिया, उसके बाद एक दो मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। किसी फ़ोन में ऑफलाइन मोड होता है, किसी फ़ोन में एरोप्लेन मोड होता है, तो उसे ऑन करने के बाद फिर से डाटा ऑन कीजिए एंड देन गेम में जाकर देखिए कि आपका गेम ओपन हो रहा है। कभी कभार जो है प्रॉब्लम आती है नेट कनेक्शन में, तो इस तरीके से आप जो है आप अपने प्रॉब्लम को जो है फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रॉब्लम फिर भी फिक्स ना हो, फिर भी अगर आपको वही एरर आए, तो प्ले स्टोर को ओपन करके यहाँ पर जो है एक बार गेम का अपडेट चेक कर लीजिएगा, कोई गेम का अपडेट आया है क्या। ठीक है, अगर आपको गेम का कोई अपडेट दिखाता है यहाँ पर अपडेट के लिए, तो आप अपडेट करवा लीजिए। अगर हम काफ़ी समय तक अपडेट ना भी करवाएं गेम को, तो भी इस तरीके की इशू प्रॉब्लम बनते हैं, तो गेम को अपडेट ज़रूर करवा लीजिएगा। ठीक है, अपडेट कर लिया फिर भी सेम प्रॉब्लम है, एक और तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे, यहाँ पर ऐप्स नोटिफिकेशन या फिर ऐप मैनेजर का ऑप्शन आपको फ़ोन में मिल जाएगा, उसके ऊपर प्रेस करिएगा, यहाँ पर आपके फ़ोन में जो जो एप्लीकेशन है वो नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कम करना है कि गैंगस्टर न्यू ऑरलीन्स का जो गेम है उसे ओपन करना है यहाँ से। ठीक है, इसका ऐप इन्फो निकालना है, अभी के लिए मैं कोई रैंडम एप्लीकेशन लूँगा सेटिंग आपको बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको डाटा और कैचे के ऑप्शन पर चले जाना है, यहाँ से आपको इसका क्लियर डाटा करना है, क्लियर कैचे भी इसका कर देना है। ठीक है, बस इतना सा काम है, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बट अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स ना हो, तो वे इस केस में आपको वेट करना है, क्योंकि कभी कभार जो है गेम जो है वो अंडर डेवलपर हो जाता है, या फिर कोई गेम में नया अपडेट आने वाला हो, तो उस वक्त जो है गेम थोड़ी टाइम के लिए जो है ऑफलाइन होता है। अगर हमारा नेट कनेक्शन ऑन भी हो तो भी ऑफलाइन ही दिखाता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।